हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में राघव आईटी। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में से टेम्प और अनयूज्ड फाइल को कैसे डिलीट करें विद सॉफ्टवेयर और विदाउट सॉफ्टवेयर। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आपको जो है टेम्परेरी फाइल्स मिलेंगी। विंडो प्लस मेरे को प्रेस करना है और यहाँ पर मेरे को टाइप करना है temp, जो पहली मेरे को टेम्परेरी फाइल मिलेंगी वो मेरे यहाँ पर होंगी। इन सबको जो है मैं डिलीट कर दूंगा और जो फाइल मेरी रनिंग कंडीशन में होगी वो डिलीट नहीं होगी, उसको मैं स्किप कर दूंगा। फिर वापस से जो है मेरे को रन पर आना है और यहाँ टाइप करना है temp% और इसको मेरे को ओके करना है। यहाँ पर भी जो मेरे को फाइल्स मिलेंगी वो सभी मेरे सिस्टम में अनयूज फाइल हैं, टेम्परेरी फाइल्स हैं, इनको भी जो है मैं डिलीट कर दूंगा। और मुझे वापस से जो है विंडो प्लस आ करके रन पर आना है और यहाँ मेरे को टाइप करना है प्रेफेच। मैंने टाइप किया, यहाँ पर भी जो है मेरी सारी अनयूज फाइल है, इनको भी जो है मैं कंट्रोल से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। फाइल जो है रनिंग कंडीशन में इसको मैं स्किप कर देता हूँ। इसके अलावा जो मेरे को फाइल मिलेंगी, मैं सर्च बॉक्स में आता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डिस्क क्लीनअप। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने क्लिक करा और इसको ओके प्रेस किया मैंने और यहाँ पर भी जो है मेरी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, अनयूज फाइल हैं, मौजूद है। यहाँ से भी जो है मैं क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पर क्लिक कर और इन सभी फाइल्स को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय लेगा स्कैनिंग के लिए। यहाँ से मेरे को ओके प्रेस करना है और सब फाइल्स को डिलीट कर देना है। अब जो है मुझे सी ड्राइव पर आकर के इसकी प्रॉपर्टीज पर आना है और इस क्लीनअप जो है हम यहाँ से भी कर सकते हैं। एक ओके कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ chkdsa। देखिए दोस्तों, मैं सर्च बॉक्स में आता हूँ और यहाँ पर मुझे टाइप करना है chkdsa और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पर भी जो है मेरी हार्ड डिस्क चेक होगी, इसमें कोई बैड सेक्टर वगैरह तो नहीं है, यहाँ पर ये चेक करेगा। अगर होगा तो आपको दिखा देगा, नहीं होगा तो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखिए, जीरो बैड फाइल रिकॉर्ड प्रोसेस्ड, यानी कि मेरे पीसी में कोई बैड सेक्टर इस वक्त मौजूद नहीं है। यहाँ पर थोड़ा समय लेगा ये। तो मैं वीडियो को पोस्ट कर देता हूँ, जैसे ही कंप्लीट होगा मैं वापस आकर आपको बताता हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू टेम्परेरी फाइल को रिमूव करें तो कैसे रिमूव करें, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास क्लीनअप, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको इस पर डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लीनअप ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, आपको यहाँ पर जो है क्लीनअप पर क्लिक कर देना। यहाँ से भी जो है आपके पीसी की जो सभी फाइल्स हैं डिलीट हो जाएंगी और यहाँ से आप एक बार इसको क्लोज कर लीजिए और अपने पीसी को एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो है मैं 3 या 4 मिनट में अपने पीसी में से
टेम्परेरी फाइल्स को, अनयूज्ड फाइल को, अननेसेसरी फाइल को रिमूव कर सकते हैं, विद सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं और विदाउट सॉफ्टवेयर भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए।